अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ भाई प्याज के पानी से। अच्छा, ये है प्याज का पानी जो कि मैंने चॉप करके, इसमें मिनरल वाटर या मीठा पानी कुछ भी आप ऐड कर दें और बालों पे अप्लाई कर दें। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि इसका सारा रस निकल जाए और आप इसको बालों पे अप्लाई करें। यकीनन 100% आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, बहुत वीक हो गए थे, तो मैं जब से ये ट्राई करने लगी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। ये मैं जब अप्लाई करती हूँ, जब मैं ना कपड़े वॉश करती हूँ, वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ तो साथ में, फिर ये काफ़ी टाइम अप्लाई रहता है और इससे ना इतनी हिचक भी नहीं होती, तो फिर बंदा बाद में हेयर वॉश कर ले। और उसके बाद जनाब यहाँ पर होता है शाम का टाइम और चाय तो एनी टाइम बनती रहती है। जो चाय लवर होते हैं उनको तो चाय एनी टाइम चाहिए होती है। और यहाँ पर ना एनी टाइम तो नहीं, हमारा एक टाइम लिमिट होता है चाय का, और उस टाइम से ऊपर अगर हम चाय पिए तो हमारे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और टाइम पे चाय ना मिले तो लाजमी दर्द सर में ना दर्द स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बस हम लोगों ने पी चाय वाय और उसके बाद हमें जाना पड़ा अर्जेंट मार्केट, क्योंकि मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है एबटाबाद और मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है एबटाबाद। और यहाँ पर बस मार्केट, पास ही मार्केट में गई, थोड़ा बहुत जो सामान उठाना था वो सामान लेने के लिए। और बस अल्लाह पाक मेरी अम्मी को बिल्कुल ठीक ठाक कर दे। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जल्द से सेहतयाब कर दें। बस कुछ ही दिन के लिए मैं बस जाऊंगी, क्योंकि ग़ुलाम उस्फ़ा के स्कूल का मसला है और उसको मैं लेकर नहीं जाऊंगी, और बस वो जल्दी से उसकी वजह से आना भी पड़ेगा मुझे। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था शाम का, और जैसे ही हम मार्केट में पहुँचे तो मुझे जाते ही ये अबाया इतना अच्छा लगा था तो मैंने ये उठा लिया। ये सिंपल था और सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी थी बस इसके बाजुओं पे, बाकी भरे भरे हुए। ये फर्स्ट टाइम ये वाला अबाया मैं पहन रही हूँ, वरना मुझे ना बटरफ्लाई में या बेगी स्टाइल में ही पसंद आते हैं, वो अच्छे लगते हैं। चिपके हुए अबाया मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, ये तरह तरह के फैंसी अबाए बिल्कुल भी नहीं पहने जाते मुझसे, सिंपल। और ये फर्स्ट टाइम इस डिज़ाइन का मैं ले रही हूँ, और मार्केट भरी हुई थी ऐसे ही डिज़ाइन से। बहरहाल मेरे पास अबाया तो था लेकिन मुझे एक नया उठाना था, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो अबाया ही पहनती हूँ। और ये भी जी सजदाज फैंसी फैंसी कपड़े थे बाज़ार में बहुत सारे, बस यहाँ पर इन कपड़ों से नहीं बनती। वैसे मैं वीडियो मैंने शूट कर ली, और बस यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे चप्पल थे, ये फैंसी नहीं सिंपल सिंपल बहुत प्यारे प्यारे चप्पल थे। अच्छा, मेरे ऐसे ही चप्पलों से बनती है, सिंपल सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, भरी भरी भी पता नहीं लोग कैसे पहन लेते हैं। सिंपल चीज़ अच्छी लगती है और डिसेंट से इंसान रिलैक्स रहता है उसमें। और उसके बाद बस हमने यहाँ से जो सामान वामान उठाना था उसके बाद हम आ गए वापस घर। और घर आने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी पैकिंग स्टार्ट की। ये कुछ बैग थे जो मुझे उतारने थे और इनमें सामान भरा हुआ था और सामान को निकालना था। बस मुझे सिंपल से यही कपड़े लेके जाने थे, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा दिन रुकना नहीं है और मुझे अर्जेंट जाना है और अर्जेंट वापस आना है। बस मेरी अम्मी की जैसी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ दिन जब वो ठीक हो जाएंगी, बेहतर महसूस करेंगी, तो मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर ना हमेशा की तरह कबर्ड हमेशा सेट रहती है और आप ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, लेकिन एक जोड़ा आप निकालेंगे तो पूरी कबर्ड का सत्यानाश हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले ही अपनी कबर्ड को ठीक किया और फिर वही हाल हो गया। कोई नहीं, वैसे भी कपड़े मुझे निकालने थे और यहाँ पर मुझे अपनी पैकिंग स्टार्ट करनी थी। बस मुझे ये थोड़े बहुत ही अपने ड्रेस लेके जाने हैं, वरना लेके जाना भी फजूल है, क्योंकि इतने पहनने नहीं और इतने दिन रुकना नहीं मुझे। और यहाँ मेरी पैकिंग हो गई कंप्लीट और दिल मेरा बहुत ज़्यादा खफा था, बिल्कुल भी मेरा दिल ना खुश नहीं था। खुश एक तरफ ये था कि मैं अपनी अम्मी के पास से जाऊँगी और ये वो, लेकिन जहाँ पर मेरा ग़ुलाम मुस्तफ़ा की बारी आती है तो वहाँ मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। हस्बैंड का सोचती थी तो और ज़्यादा दिल नाराज़ हो जाता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी कुछ ऐसी थी और जाना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा को सुबह सुबह स्कूल भेज रही थी ट्यूसडे को, और ट्यूसडे वाले दिन ही मुझे निकलना था, और इसको मैंने नहीं बताया था कि मैं जाऊँगी। इसका दिल इतना छोटा है, इस कदर छोटा है और बहुत सेंसिटिव है ये। और बस ग़ुलाम मुस्तफ़ा को भेजने के बाद मेरा दिल इस कदर उदास हो गया था, बस मैं अपनी चाय लेके अपनी फेवरेट जगह पर आ गई और यहाँ चाय भी पी, और मेरा दिल बहुत खफा था। अल्लाह पाक खैर खैरियत से लेकर जाए और हमारा सफ़र आसानी से गुजरे, और जिस काम के लिए जा रही हूँ अल्लाह पाक वो आसानी से।